Hello everyone, welcome to Abhipedia powered by Abhimanyu IAS. And in the class of UPSC CSET, today I will discuss water image. Water image important hai because water image mirror image related se topic hai. Is bar 2020 ke andar mirror image pe based question aaya tha. That means ki water image pe bhi question aa sakta hai. Aur ek ईजी टॉपिक है, इतना ईजी टॉपिक है आप देखोगे कि आज के क्लास के बाद से आपको ऐसा लगेगा कि वाटर इमेज हमें अच्छे से आता है, जैसा मर्जी क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आ जाए हम कर लेंगे. ओके, वाटर के इमेज के साथ में बेटा मिरर इमेज की क्लास, लास्ट क्लास के अंदर कल हमारी मिरर इमेज की क्लास थी, तो जिसने भी अभी तक मिरर इमेज की क्लास को चेक नहीं किया पहले वो चेक कर लेंगे. ओके, क्योंकि वाटर इमेज मिरर इमेज दोनों ही इंपॉर्टेंट है. डन, तो अभी देखिए स्टार्ट करें बेटा वाटर इमेज. अगर हम बात करते हैं वाटर इमेज की, तो नाम से ही मुझे पता चल रहा है वाटर के अंदर कैसा कोई भी इमेज है वो वाटर में मुझे कैसी दिखाई देगी. ओके, अब जब हम वाटर की बात करते हैं तो वाटर एक तरह देखा जाए तो ये इधर वाटर है अपने पास में, ठीक है, यहां पे कोई इमेज है. अब यहीं पे है, जैसे हमने लिखा यूपीएससी, डन. अब इसको वाटर के अगर अंदर हम चेक करें तो ये देखो यू के अंदर से अब जो यहां पे ये वाला जो पोर्शन है ओपन पोर्शन, ठीक है, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा और जो हमारे पास में क्लोज्ड पोर्शन है वो अप चला जाएगा. दैट मींस कि जब भी हम वाटर इमेज देखते हैं तो होता क्या है कि जो अपर पोर्शन है वो चला जाता है डाउनवर्ड और जो डाउनवर्ड पोर्शन है वो चला जाता है अपवर्ड. लेफ्ट राइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेफ्ट राइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. मिरर इमेज में लेफ्ट राइट पे इफेक्ट होता है बेटा, जब हम वाटर इमेज की बात करते हैं तो उस केस के अंदर किस पे इफेक्ट पड़ेगा आपके पास में, अप डाउन पोर्शन पे. अपर पोर्शन, जो अपर पोर्शन है वो नीचे की साइड आ जाएगा, जो नीचे वाला पोर्शन है वो ऊपर चला जाएगा. ओके, अब इसी तरह से अगर हम बात करते हैं पी की, अब देखो यहां पे ये तो एज इट इज रहेगा. अब ये जो सर्कल बना हुआ है पी का, ये अपर है, अब ये क्या चला जाएगा, डाउन. बट डायरेक्शन पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा. अब ये देखो ये किस साइड है, ये राइट साइड में, तो ये राइट साइड में ही रहेगा. कहां रहेगा, राइट साइड में ही रहेगा. ओके, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं एस की, तो देखिए ये वाला जो पोर्शन है ये बेटा ऊपर चला जाएगा. दैट मींस कि इमेज कैसी बनेगी, कुछ इस तरह से बनेगी. ओके, देखिए अब ये वाला जो पोर्शन है ये बेटा ऊपर चला गया, ठीक है, ये वाला नीचे आ गया. डन, लेफ्ट राइट पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा. अब उसके बाद में अगर हम बात करते हैं ई की, तो ई देखो अब यहां पे ई हमारा एज इट इज रहेगा. क्यों, क्योंकि यहां पे ऊपर यहां पे ये है लाइन, ये लाइन यही रहेगी, ये वाली लाइन नीचे आएगी तो ये नीचे आ गई, ठीक है, ये अब नीचे वाली लाइन है ये ऊपर चलेगी, बीच वाली लाइन तो बीच में ही रहेगी, ये एज इट इज रहेगा. तो मीन्स उसकी जो रिफ्लेक्शन रहेगी इन वाटर वो सेम रहेगी. पॉइंट क्लियर है, हाँ जी, इसके अंदर किसी को कोई भी डाउट. अब ये बात आती है कि हाँ जी ये जो वर्ड्स दिखाई दे रहे, अब इसके लिए देखो अगर हमारे पास में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि एबीसी के अंदर या पूरे अल्फाबेट के अंदर से कितने ऐसे अल्फाबेट से जिनकी वाटर इमेज सेम रहती है, तो सेम किन किन की रहती है. अब यहाँ पे देखिए, अब अगर हम अल्फाबेट की बात करते हैं तो बेटे टोटल कितने अल्फाबेट है, 26 अल्फाबेट्स हैं. अब 26 के अंदर देखो ए जो है ए तो चेंज होगा, ये ए है ये तो चेंज हो गया, ठीक है. सेम वे अगर हम बात करते हैं बी की, तो बी के अंदर वैसे तो हमें ऐसा फील होता है कि हाँ जी चेंज नहीं होता, ऐसा ही लगता है, बट बी के अंदर होता क्या, जो एक्चुअल में बी होता है एक पोर्शन के अंदर से, ये हमारे पास पोर्शन छोटा होता है बेटा ये बड़ा होता है, तो ये बड़े वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, ये छोटा नीचे आ जाएगा. देखो ध्यान से. ओके, अब इसी तरह से यहां पे हमने देखना है कि चेंज क्या क्या नहीं होता. तो यहां पे बेटा ऐसे टोटल 8 अल्फाबेट्स हैं जिनकी मिरर इमेज चेंज नहीं होती, दैट इज सी डी ई एच आई के ओ एक्स. ओके, ध्यान रखो ये बी के अंदर बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना किसी ने भी. अब देखो जैसे फॉर एग्जाम्पल, अब अगर हम बात करते हैं बेटा सी की, है ना, तो देखो ये यहाँ पे ऐसे रहेगा, अब जब नीचे भी जाएगा तो डायरेक्शन तो चेंज होनी नहीं है, डायरेक्शन तो चेंज होनी नहीं है, ये वाला पोर्शन नीचे आ जाएगा, ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा, तो फाइनली इमेज सेम ही रहेगी. ओके, क्लियर. तो कितने अल्फाबेट्स है, 8 अल्फाबेट्स है. इसी तरह से अगर हम स्मॉल लेटर्स की बात करें तो ये हमारे पास में स्मॉल लेटर्स, ठीक है, इनकी मिरर वाटर इमेज आपके पास में क्या रहेगी, ये सारी की सारी गिवन है. इसके अलावा नंबर्स,
नंबर्स की वाटर इमेज क्या रहेगी, तो वाटर इमेज आपके पास में यहाँ पे किया है। अगर आपने स्क्रीनशॉट लेना, एक बार में स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे इसकी पीडीएफ अटैच है, आपको वहां से पिक मिल जाएगी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार जल्दी से। हाँ जी, सभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इंपॉर्टेंट है कि किसकी कौन से लेटर की वाटर इमेज क्या रहेगी। हो गया, चलो ठीक है जी, आगे देखते हैं अब उसके बाद। हाँ जी, उससे पहले बेटा एक मिनट लेंगे आप लोगों का, एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। अभी पीडिया आपको सी सेट के लिए कंप्लीट प्रिपेयर करवा रहा है, जीएस सी सेट पूरा पोर्शन हम कंप्लीट करवा रहे हैं। तो सी सेट के लिए अभी अगर हम बात करें तो उसके अंदर आपको क्या क्या अवेलेबिलिटी है, माइक्रो कोर्सेज। माइक्रो कोर्सेज के अंदर क्या आ जाता है आपका, कि आप सिंगल सिंगल टॉपिक के लिए प्रिपेयर कर सकते हो, टॉपिक वाइज आप प्रिपेयर कर सकते हो। जैसे आपको लगता है कि भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है तो मैं वो देख लूँ, लाइक नंबर सिस्टम हो गया, परसेंटेज हो गया, ठीक है, डायरेक्शन सेंस हो गया आपके पास में, तो इस तरह से जो जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं आप सिंगल सिंगल टॉपिक लेके उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, दूसरा आपके पास में फ्रीडम है मॉड्यूल कोर्स लेने की। मॉड्यूल कोर्स मीन्स व्हाट, कि अगर आप चाहते हो कि मैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए मैंने प्रिपेयर करना है तो मैं सिर्फ क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लूँ, लॉजिकल रीजनिंग के लिए तो लॉजिकल रीजनिंग, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना, मॉड्यूल कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, आप सिंगल सिंगल एक एक मॉड्यूल से प्रिपेयर कर सकते हो। थर्ड इज कंप्लीट कोर्स। अगर आप चाहते हो कि मुझे कंप्लीट कोर्स चाहिए तो आप कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हो। इसके अंदर दो कोर्स हैं, एक बेटा पूरा कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स है और दूसरा आपके पास में क्रैश कोर्स है, स्पेशल क्रैश कोर्स अवेलेबल है। ओके, दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो। उसके बाद में आ जाता है आपके पास टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज तो मस्ट है, टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। आपके अगर प्रिपरेशन है तो भी अपने प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए टेस्ट सीरीज को जरूरी है, आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हो। इसमें आपके पास सेक्शनल टेस्ट सीरीज एज वेल एज कंप्लीट मॉक अवेलेबल है। तो आपकी इच्छा है कि अगर आपको सेक्शनल टेस्ट चाहिए तो सिर्फ आप सेक्शनल भी ले सकते हो। जैसे कि आप कहते हो मैं क्वांट के लिए प्रिपेयर करूँ तो क्वांट के ही टेस्ट मैं पहले अप्लाई लगा के देखूँ, उसके बाद में यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग, या फिर कंप्लीट। एक ऐसा भी मॉड्यूल है जिसके अंदर आपको सेक्शनल और कंप्लीट दोनों अवेलेबल है, तो सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से चेक कर सकते हो। अगर फिर भी कोई डाउट आता है, इन दैट केस यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन। और जब भी आप कोर्स पे जाते हो, लिंक पे जाते हो, तो वहां पे बेटा मोबाइल नंबर गिवन है, व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आप वहां से कंप्लीट कोर्स पे जाते हो तो वहां पे अवेलेबल है, तो आप कॉल कर सकते हो। ओके, और व्हाट्सएप करना, आप व्हाट्सएप कर सकते हो। अब हम आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। हाँ जी, क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या अवेलेबल है, कि एक वर्ड है रिक्रूट, रिक्रूट एक वर्ड गिवन है। अब ये बताइए कि इसकी वाटर इमेज क्या रहेगी, वाटर इमेज क्या रहेगी। वाटर इमेज में मैंने आपको क्या बताया कि जो अपर पोर्शन है दैट कम्स डाउनवर्ड, और जो डाउनवर्ड जो भी पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा आपके पास में, अप। अब यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे ये आर है, ठीक है। अब एक और बात, जब भी आप वाटर इमेज या फिर मिरर इमेज पे क्वेश्चंस करते हो तो उसमें इलिमिनेशन मेथड बेस्ट है। आपने क्या करना है कि चेक करते जाओ, अगर कहीं पे जो चेंज आ रहा है सिर्फ उसको आप चेक कर लो, डन, चेक करो, जो जो इलिमिनेट होता जाता है उसको इलिमिनेट करो, लास्ट में आपके पास में एक बच जाएगा। उससे क्या है कि आपका टाइम सेव हो जाएगा, पूरे का पूरा कंप्लीट आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, एक एक वर्ड पे काम नहीं करना पड़ेगा। ओके, अब जैसे यहीं पे हमें पता है कि भी पहले आर आएगा, बट यहाँ पे इन्होंने टी शो करा है पहले इन दोनों के अंदर, दैट मीन्स की ये तो वाटर इमेज नहीं आ रही, वाटर इमेज के लिए ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके, उसके बाद आप इन दोनों में चेक करते हैं फर्स्ट और सेकंड के अंदर। तो देखिए बेटा, अगर हम आर की बात करें तो आर के अंदर यहां पे आर कैसे है, ऐसे है। अगर हम इसकी वाटर इमेज की बात करें तो आर कैसे रहेगा, ये तो ऐसे ही रहेगी, ठीक है। अब यहां पे डायरेक्शन तो चेंज होनी नहीं है, हाँ ये जो सर्कुलर पार्ट है ये आपके पास में कहां जाएगा, नीचे, और जो हमारे पास में लाइन है ये चली जाएगी ऐसे। अब चेक करो, अब इन दोनों के अंदर से ये ऐसे है, ठीक है, और ये हमारे पास में इस तरह से, तो डायरेक्शन तो चेंज होनी नहीं है। यहाँ पे इसने क्या किया, डायरेक्शन चेंज हो गया, दैट मीन्स कि ये भी इलिमिनेट हो गया, ये करेक्ट। इलिमिनेशन मेथड में क्यों बोल रही हूँ कि आपको पूरा चेक करने की जरूरत नहीं, कि भी पहले क्वेश्चन है तो मैं पहले पूरे क्वेश्चन को सोल्व करूं, अब मैं पहले इसको सोल्व करूं फिर मैं चेक करूं कि हाँ जी ऑप्शन क्या है। ऑप्शन को साथ साथ माइंड में लेके चलो, एक तो ये हो गया कि हाँ जी मैं पहले इसी को ही करती हूँ, ठीक है, ई एज इट इज रहेगा मेरे पास, सी एज इट इज रहेगा, फिर आर के लिए ये हो गया, यू अपना ऐसे आ जाएगा, ए और टी मेरा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं इनको कंपेयर करूं कि हाँ जी मेरा कैसे बन रहा है,
दिस इज द रॉन्ग वे. आपको करना क्या है कि इलिमिनेट करते जाओ, फाइनली आपके पास एक बच जाएगा, दैट विल बी योर आंसर. सारा चेक करने की जरूरत नहीं है. क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं हम. हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे. क्या है क्वेश्चन आपके पास? पी क्यू 8A F5BZ9. हाँ जी, देखिए सबसे पहले बेटा चेंज होगा अपने पास में P. अब यहाँ पे भी सभी को करके देखने की जरूरत नहीं है. सिंपल ये देखो कि हाँ जी सभी में ये तो एक जैसा ही आ रहा है, एक जैसा ही आ रहा है. मुझे चेक करने की जरूरत नहीं कि उसकी वाटर इमेज कैसी बनेगी. ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते क्यों इसमें थोड़ा सा चेंज हो रहा है. तो क्योंकि अगर हम बात करें तो क्यों को देखो, अगर मैं यहाँ पे इसकी वाटर इमेज चेक करूं क्यों की, कैसे बेटा ऐसे क्या आएगी वाटर इमेज? ये जो है ये इधर से इधर चला जाएगा. ओके, अब यहाँ पे देखिए ये जो है इसके अंदर डायरेक्शन चेंज हो गई, दैट मीन्स कि ये हमारे पास में रोंग हो गया. इन तीनों में सेम है, दैट मीन्स कि ये हम आगे फॉरवर्ड चेक करते हैं. अब उसके बाद है एट. एट देखिए, एट के अंदर जो स्मॉलर पोर्शन है वो नीचे चला जाएगा, सभी में ही सेम है. ए भी सभी में सेम है. उसके बाद आ रहा है एफ, है ना. तो एफ को चेक करते हैं. एफ आता है ऐसे, ठीक है. अब होगा क्या, ऐसा आएगा, ऐसे ही आएगा ना. अब यहाँ पे चेक करो आप कि अगर F ऐसा किसके अंदर है. अब यहाँ पे अगर हम देखें F, तो इसमें इसमें ऐसे ही है, ठीक है, इसमें भी ऐसे ही है, इसमें भी ऐसे ही है, दोनों में सेम ही आ रहा है बेटा. यही इलिमिनेट हो रहा है, ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, है ना, ये तो हम ऑलरेडी इलिमिनेट कर चुके हैं. उसके बाद हम बात करते हैं फाइव की. हाँ जी, अब देखो फाइव, फाइव अगर हम देखें तो इसमें इसमें और इसमें सभी में सेम आ रहा है. देन बी भी तीनों में सेम आ रहा है. उसके बाद आ गया बेटा जेड. जेड देखिए, जेड देखिए यहाँ पे, यहाँ पे जेड एज इट इज दिखाई दे रहा है. यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, थोड़ा सा चेंज है. अब ये वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा. देख अब जेड के अंदर भी ध्यान से देखिए, जेड देखिए. अब यहाँ पे ये लाइन तो यहीं पे रहेगी, ये भी लाइन यहीं पे रहेगी, बट यहाँ पे जो जुड़े वाला पोर्शन है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये वाला यहाँ पे आ जाएगा. ओके, दैट मीन्स वट कि ये वाला तो हमारा कैंसिल आउट हो गया. ओके, अब इन दोनों में से देखते हैं. अब यहाँ पे आपके पास आ रहा है नाइन. नाइन बेटा देखिए आप, ये इस तरह से है, ठीक है. अब जब हम इसको वाटर के अंदर चेक करते हैं तो उसमें क्या होगा, ये जो लाइन है ये इधर आ जाएगी और ये आपके पास में इधर बन जाएगा. डन, अब देखो कौन सा है, ये वाला है. तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फोर विल बी द करेक्ट आंसर. ऑप्शन फोर विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर? कैसे कर रहे हैं सभी को, अच्छे से क्लियरिटी आ रही है? कुछ नहीं है, सिंपल सा है बेटा. जो अपर पोर्शन है वो नीचे चला जाएगा, नीचे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा. बस यहाँ पे सिंपल सा ध्यान क्या रखना है, हमने जो डायरेक्शन है लेफ्ट राइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेफ्ट राइट पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ये होता है आपके पास में मिरर इमेज के अंदर. कल कराया था मैंने सभी को मिरर इमेज के अंदर, राइट लेफ्ट में, लेफ्ट राइट में, ठीक है. बट अगर हम बात करते हैं वाटर इमेज की, तो वाटर इमेज के अंदर क्या होता है, अप डाउन के अंदर फर्क पड़ता है, अपवर्ड और डाउन के अंदर. ओके, टॉप बॉटम का इफेक्ट रहेगा, टॉप का बॉटम में चला जाएगा, बॉटम टॉप के अंदर. तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, वाटर इमेज. बस ये इतना सा है, दोनों में डिफरेंस इतना सा है, बस कंफ्यूज नहीं होना एग्जाम के अंदर. सिंपल. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट क्या है, स्मॉल लेटर्स में आ गया रोट. अब देखिए एक बार थोड़ा सा ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करके, वीडियो को पॉज करके ट्राई करेंगे सभी, क्या आएगा. हाँ जी, रोट. डब्ल्यू, डब्ल्यू ऑब्वियसली चेंज होगा, इसमें चेंज नहीं हो रहा, कैंसिल आउट हो गया. आर भी ऑब्वियसली चेंज होगा, तो आर देखो अब इन तीनों में से यहाँ पे देखिए पोजीशन चेंज नहीं होगी, यहाँ पे पोजीशन चेंज हो रही है, ये भी एलिमिनेट हो गया, है ना. अब उसके बाद में देखो ओ, ओ तो सेम ही रहेगा. उसके बाद पड़ रहा है इफेक्ट बेटा टी का, टी ऐसे आ रहा है तो कैसे आएगा ये आपके पास में. हाँ जी, टी कैसे चला जाएगा, ऐसे बन जाएगा, ठीक है. टी विल बी लाइक एफ. ओके, तो ये हमारे पास में कहां पे दिखाई दे रहा है, यहां पे. तो क्या आ गया, ऑप्शन थ्री विल बी द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें फिर. नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आ रहा है आपके पास में, सभी करवाऊंगी आपके पास में. जो क्लॉक टाइप क्वेश्चन आते हैं, पिक टाइप क्वेश्चन आते हैं, सभी के सभी हम डिस्कस करेंगे. सभी ने एंड तक मेरे साथ में बने रहना है, इसके बाद आपका मिरर इमेज पूरा क्लियर है. अब देखिए N4TQJ3,
अब देखिए n चेंज होगा, ऑब्वियसली होगा, बट सभी में चेंज हो रहा है। उसके बाद 4 भी सभी में सेम आ रहा है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है, दैट मीन्स कि ये तो कैंसिल आउट हो गया ना। अब उसके बाद में देखते हैं बेटा t देखिए t बनेगा f की तरह है, तो ये यहाँ पे देखिए t भी सभी में सेम है, यहाँ पे चेंज आ रहा है, दैट मीन्स कि ये भी ऑप्शन कैंसिल आउट हो गया। अब हम आते हैं फर्स्ट एंड थर्ड, दो ऑप्शन बच गए। क्यों अभी मैंने आपको बताया लास्ट क्वेश्चन के अंदर कि ये जो है ये किधर चला जाएगा, इधर, और ये किस में जा रहा है, फर्स्ट के अंदर, ये कैंसिल आउट हो गया। सो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। डन, नेक्स्ट देखिए, हाँ जी, एन एच आर क्यू एस वाई, एन एन अभी हमने चेंज किया था, अभी पता चल गया कि सेम तो रहेगा नहीं, तो फर्स्ट तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया सेम देख के, है ना। अब उसके बाद बेटा एच, एच देखिए एच सभी में ही यहाँ पे एच देखो, एच ऐसे है, कैसे बनेगा, ऐसे चला जाएगा कुछ, है ना। अब यहाँ पे देखिए कि इन दोनों की, तीनों के अंदर जो एलिमिनेट हो गया वो तो एलिमिनेट हो ही गया, सिर्फ तीनों को चेक करना, तो यहाँ पे आपके पास में एच के अंदर डायरेक्शन चेंज हो रही है, दैट मीन्स कि ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब बच गया आपके पास थर्ड और फोर्थ, अब थर्ड फोर्थ में कंपेयर करो, अब यहाँ पे देखो आर, आर के अंदर इसने डायरेक्शन चेंज कर दी, दैट मीन्स कि ये भी रॉन्ग हो गया, ये करेक्ट है, डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना, डायरेक्शन जहां पे चेंज दिखाई दे रहा है वहीं पे कैंसिल आउट कर देंगे उसको, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्या है, फाइंड द वाटर इमेज व्हेन द एग्जैक्ट टाइम शोन इन द क्लॉक इज 6:15, घड़ी में बजे हैं 6:15। अब बताओ अगर उसको वाटर में देखेंगे तो कितने बजे होंगे। अब यहां पे देखिए, अगर मैं क्लॉक देखूं, हाँ जी, क्या कहा है उसने, टाइम 6:15, दैट मींस कि हमारे पास में यहां पे कुछ होगा, थोड़ा सा आगे चला गया, रुको दोबारा स्टो करते हैं, दिस विल बी लाइक दिस, ये हो गया आर हैंड आपका, और 15 दैट मींस कि ये हो गया हमारे पास में मिनट हैंड। डन, अब जब आप इसको वाटर में चेक करोगे तो ये तो मिड में है, ये तो यहीं पे ही रहेगा, वाटर में अगर हम इसको चेक करेंगे तो ये तो बेटा यहीं पे ही रहेगा, ठीक है, और ये जो है ये इसके अपोजिट चला जाएगा, दैट मीन्स कि ये चला जाएगा कहीं पे यहीं, ओके, दैट मीन्स कि टाइम कितना हो गया 12:15, वाटर में कितना आ गया 12:15, सो योर आंसर विल बी 12:15। डन, अब माइंड में आता है क्या मैडम वहां पे क्लॉक ड्रॉ करनी पड़ेगी हमें, क्या हमें क्लॉक ड्रॉ करनी पड़ेगी, क्लॉक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। देखिए जब भी इस तरह से अपने पास में क्वेश्चन आता है तो उस केस के अंदर आपने क्या करना है, सीधे एक टाइम देखो आप 18:30 का टाइम लेना है, और आप कह सकते हो जैसे 6:30 बजे, ठीक है ना। अब उस केस के अंदर देखो ये 18:30 के अंदर से आपको जो भी टाइम गिवन है उसको माइनस कर दीजिए। अब यहाँ पे जैसे 6:15, तो 6:15 हमने इसके अंदर से माइनस कर दिया, क्या आ गया आपके पास 15 एंड दिस इज 12, पॉइंट इज क्लियर। अब एक और माइंड में आपके क्वेश्चन राइज हो रहा होगा कि अगर मान लीजिए यहां पे जो टाइम है 6:15 की जगह पे होता 6:45, फिर क्या करते, 6:45 भी हो सकता है, अब मैं कैसे माइनस करूं 30 में से। तो अब ध्यान रखो कि जब भी क्लॉक की अगर हम बात करते हो तो इसके अंदर बेटा जो कैरी है वो पूरी 60 मिनट की होती है, दैट मींस व्हाट कि अब कितना हो जाएगा ये 17, और कैरी ये हो गया आपके पास में 60 की, तो कितना हो गया 17:90, तो आप क्या माइनस कर सकते हो 17:19 लिख सकते हो, ठीक है। और इसमें से अगर मैं माइनस करती हूँ 6:45, फिर कितना बचा हमारे पास में, ये हो गया आपके पास 11:45, कितना आ गया 11:45, पॉइंट इज क्लियर। अब देखो हो क्या रहा है यहाँ पे कि हम जो कैरी ले रहे हैं, आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, यहां से कैरी लिया तो कैरी कितनी आएगी 60 मिनट की आएगी, तो
तो जैसे आप लोगों को बेटर लगता है आप वैसे कर सकते हो, या तो सीधा इसको 1790 ले लो, या फिर जब माइनस करते हो उस टाइम पे कैरी का ध्यान रख लो कि कैरी यहाँ पे, जैसे हमारे पास में डिजिट्स की बात करते हो तो 10 की कैरी होती है, बट जब हम बात करते हैं टाइम के अंदर तो 60 मिनट होते हैं तो बेटा 60 की कैरी होती है। क्लियर? क्योंकि हमें पता है कि 1 आवर के अंदर 60 मिनट होंगे, तो यहां से अगर मैं 1 आवर कम करूंगी तो मिनट में मुझे 60 ऐड करना पड़ेगा ना। तो आप सिंपल इसको याद कर सकते हो कि अगर मान लो मेरे पास में जो टाइम है वो 30 मिनट से ज्यादा जा रहा है तो मैं क्या लूँ, इसको 90 ले लूंगी। ठीक है, अगर मेरे पास में यहाँ पे जो मिनट्स हैं वो 30 से कम है या फिर 30 है तो हम क्या ले लेंगे, 1830 ले लेंगे। हाँ जी बताइए, कोई डाउट इसके अंदर किसी को? बिल्कुल क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वाटर इमेज व्हेन एग्जैक्ट टाइम इन द क्लॉक इज 720। करिए फिर 720। अगेन क्लॉक ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल टाइम मुझे पता है, किसमें से माइनस करेंगे बेटा? हाँ जी 1830, सीधा क्या लेंगे हम 1830, और इसके अंदर से जब हम इसको माइनस करते हैं देन वी विल गेट 1110। 1110, that means कि answer will be 1110. Okay, बिल्कुल easy है ना, मैं वही तो आपको कह रही हूँ बार बार कि बेटा easy topic है, easy topic है, skip करने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा इसको अभी थोड़ा ध्यान से कर लेंगे ना तो अभी हो गया। आप देखो अगर कोई भी question आ जाए कर लेंगे, बस छोटे छोटे 2-3 points है वो mind में रख लें। ओके, अब आ जाता है तीसरी type। ऐसा भी हो सकता है कि इमेज पे बेस्ड क्वेश्चन आ जाए, वैसे इमेज पे आजकल आ नहीं रहे हैं, पिछली बार भी आपके पास में स्टेटमेंट बेस्ड ही क्वेश्चन आया था कि हाँ जी वॉवल्स की कितने वॉवल्स की सॉरी कॉन्सोनेंट की वाटर इमेज मिरर इमेज चेंज नहीं होती, मिरर इमेज पे क्वेश्चन आया हुआ था ना कि मिरर इमेज चेंज नहीं होती, ये क्वेश्चन आया हुआ था आपका लास्ट ईयर। ओके, तो इस तरह से भी आ सकता है, टाइम वाला भी इंपॉर्टेंट है, टाइम पे भी आ सकता है। अब डिपेंड करता है भाई, यूपीएससी या कुछ भी पूछ सकता है, यूपीएससी या कुछ भी आ सकता है, तो हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। छोटा सा कंसेप्ट है कि हाँ जी जो आपके पास में एक इमेज गिवन है तो उसके अंदर जो अपर पोर्शन है वो डाउनवर्ड चला जाएगा, डाउनवर्ड अप चला जाएगा, सिंपल सी बात है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे देखो क्या यहाँ पे कह रहा है आपको कि ये एक इमेज है तो बताओ इसकी वाटर इमेज क्या रहेगी। अब यहाँ पे हमें दिख रहा है भाई ये क्रॉस इधर है तो ये क्रॉस नीचे चला जाएगा, ठीक है, ये वाली लाइन इधर है तो यहाँ चला जाएगा, और इसके अंदर ये इधर आ रही थी लाइन तो ये इधर जाके जुड़ जाएगी। क्लियर? अब यहाँ पे इस सर्कल की अगर मैं बात करूं तो ये जो डार्क पोर्शन यहाँ पे नीचे है ये डार्क पोर्शन ऊपर चला जाएगा, सिंपल। ओके, अब देखो कौन सा बनेगा, फिर कौन सा बनेगा आपके पास में? हाँ जी ये वाला है, ओके डन। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे। अब यहां पे देखो, जो यहाँ पे अपने पास में एक स्ट्रेट बॉक्स दिखाई दे रहा है आपको, स्क्वायर दिखाई दे रहा है ना, ये स्क्वायर है और ये एक ट्रायंगल की शेप में एक गिवन है कुछ इस तरह से, है ना। तो अब ये तो एज इट इज ही रहेगा, जब मैं वाटर में देखूंगी तो एज इट इज ही रहेगा। अब देखो जिसमें चेंज हो गया वो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, अब दोनों में चेंज कर दिया इन्होंने तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। ओके, अब हम बात करते हैं अगर इस वाले पोर्शन की, तो अब इसमें ये जो कॉर्नर है ये डाउनवर्ड है तो ये अपवर्ड चला जाएगा। अभी देखो कॉर्नर डाउनवर्ड है, इसमें तो डाउनवर्ड ही है, दैट मींस कि ये भी कैंसिल हो गया, इसमें अपवर्ड जा रहा है। दिस इज योर आंसर। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आपके पास में। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, क्या है, एक ये वाले फिगर गिवन है। अब इस फिगर के अंदर हम देखते हैं कि इसकी वाटर इमेज क्या रहेगी। वाटर इमेज दैट मींस कि अब ये ऐसे है ना, ये लाइन ऐसे जा रही है कुछ, है ना, आपके पास देखो ध्यान से समझो, इस तरह से कुछ जा रहा है। तो अब जब हम इसको वाटर के अंदर देखेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, दैट मींस कि ये जो है हमारे पास में कैसे चली जाएगी, ऐसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारे पास में बेटा ये जो है पोर्शन ऐसे जाएगा, यहाँ पे ये जो है ये ऊपर ऐसे चला जाएगा, एक तरह से मैं कैसे बताऊँ आपको, ये ऐसे है तो ये ऐसे टिल्ड हो गया, मतलब कि जो नीचे वाला जो पोर्शन था वो ऊपर चला गया, इस तरह से कुछ बन जाएगा। ओके, अब उसके बाद में
ये अब पहले तो ये देखो कि सेम किस में जा रहा है, इनमें दोनों में तो ये था इस डायरेक्शन में जा रहा था, ये तो कैंसिल आउट हो गया यहीं की यहीं पे, ओके। अब उसके बाद में यहाँ पे देखिए आप, अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पे सर्कल के, इसके अंदर सर्कल तो सेम ही रहेगा। अब है बात आती है बेटा डॉट की, अब यहाँ पे डॉट आ रहा है, यहाँ पे तो इस सर्कल को भी इन्होंने कैंसिल कर दिया, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब डॉट पे ध्यान दीजिए बस, अब इन दोनों के अंदर सिर्फ डॉट का खेल है, बताओ कौन सा आंसर आएगा। अगर डॉट यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारे पास में लेफ्ट साइड के अंदर डॉट अप है, तो यहाँ पे क्या होगा, लेफ्ट साइड के अंदर ही डॉट डाउनवर्ड चला जाएगा, तो लेफ्ट साइड के अंदर यहाँ पे तो राइट में चला गया, ये रहेगा सिंपल, ओके। हाँ जी, कोई कंफ्यूजन? डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है बेटा इसके अंदर, डायरेक्शन नहीं चेंज हुई है। देखो जैसे हमारे पास n था, है ना, तो इसको हमने क्या किया, इसमें डायरेक्शन कहाँ चेंज हुई है। अब ये देखो जब हम उसके अंदर देखते तो ये वाला पोर्शन यहाँ पे जुड़ा हुआ है, तो ये यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये यहाँ पे चला जाएगा, डायरेक्शन नहीं चेंज करी है मैंने। अगर आपको लग रहा है डायरेक्शन नहीं चेंज हो रही है, क्लियर? हाँ जी, नेक्स्ट देखिए, फिर नेक्स्ट देखो, करी शाबाश, एक फिगर गिवन है आपके पास। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम देखते हैं ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, डाउनवर्ड चला जाएगा, बट पोजीशनिंग सेम ही रहेगी, ये अप चला जाएगा और ये वाला तो सेम रहेगा। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले देख लो सेम किस में, इसमें भी सेम नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें इजी, अब तो इजी लग रहा होगा बिल्कुल ही। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, करिए कोशिश, करें कोशिश। अब यहाँ पे देखो बेटा, ये जो है ट्रायंगल वाला, ये वाली जो शेप है, ये तो सेम ही है सभी के अंदर, इसमें चेंज आ गया तो ये गलत हो गया, ठीक है। अब उसके बाद में, अब इनके अंदर देखो, सर्कल ऊपर चला जाएगा, ट्रायंगल नीचे आ जाएगा। अब इसमें तो यहाँ पे सर्कल ट्रायंगल ऊपर है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे देखो, सर्कल ऊपर चला गया, ट्रायंगल नीचे आ गया, बट ट्रायंगल की भी तो शेप चेंज होगी। अब यहाँ पे ट्रायंगल एज इट इज है, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया। देखो बेटा, ट्रायंगल ऐसे है, है ना, जब हम इसको वाटर के अंदर देखेंगे तो ये इस तरह से कुछ आएगा। तो क्या आंसर आ गया आपके पास में, टू विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन टू विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखिएगा, हाँ जी, दिस इज द फिगर। अब यहाँ पे देखो, थोड़ा सा ध्यान से देखने वाला है, यहाँ पे अपने पास में क्या हो रहा है, ये जो दो फेसेस से बन रही है, यहाँ से एक तरह से दो कंबाइन कर रखे हैं ना, तो यहाँ पे ये और ये दोनों कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से, किसको ऊपर ही है आपके पास में, ये भी कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे नीचे तो आ गया बट एक फील्ड है, यहाँ पे हमारे पास दोनों ही ब्लैंक थे, तो ये भी कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में नीचे आ गया, अब इन दोनों में चेक करते हैं। अब इन दोनों के अंदर भी देखो, अगर हम बात करते हैं इस पार्ट की, बीच वाले पार्ट की, है ना, तो ये देखो, ये तो दोनों में, हाँ ये डिफरेंट है दोनों में, है ना। तो अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, यहाँ पे देखिए मेरे पास में ये इस तरह से कुछ है, ओके। जब हम इसको वाटर के अंदर देखेंगे तो उस केस में क्या होगा, आपके पास में क्या होगा, ये वाला जो पोर्शन यहाँ पे था, ये चला जाएगा यहाँ पे, तो एक तरह से एक आप इसको ये कह सकते हो कि इस तरह से कुछ बन जाएगा, और ये वाला डार्क पोर्शन आ गया यहाँ पे। अब चेक करो कौन सा है, हाँ जी चेक करिए कौन सा, ये वाला, इसमें तो डायरेक्शन ही चेंज होगी ना। यहाँ पे देखिए, इसमें ये था डार्क पोर्शन लेफ्ट में था, इसने यहाँ पे डार्क पोर्शन को राइट में कर दिया, तो ये वैसे ही कैंसिल आउट हो गया, क्लियर? हाँ जी, कोई इसके अंदर डाउट आ रहा हो आपको, नेक्स्ट देखिएगा। अगर किसी को कोई डाउट आ रहा है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे। अगर कुछ समझ आ रहा है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो भाई, जल्दी से लाइक और शेयर कर देंगे। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जिन्होंने अभी तक फुल सब्सक्रिप्शन नहीं लिया, फुल सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, वन मंथ की फुल सब्सक्रिप्शन अवेलेबल ऑनलाइन 1500। अपने पेपर के अंदर भी अभी इतना ही टाइम है, ज्यादा टाइम बचा नहीं है। इससे अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि भाई आप इतने कम प्राइस के अंदर सी सेट के प्रिपरेशन के लिए आपको पूरे का पूरा कंटेंट मिल रहा है, इससे बेटर स्टडी मटेरियल नहीं मिलेगा। जल्दी जल्दी कर लीजिए सभी, डिस्क्रिप्शन में सब्सक्रिप्शन का भी लिंक अवेलेबल है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो आप। आंसर आ गया होगा, आई थिंक समझ आ गया वाला क्वेश्चन।
देखो यहाँ पे क्या हो रहा है आपके पास में, सिंपल सा है, ये वाला सर्कल नीचे चला जाएगा, ये वाला सर्कल ऊपर चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो सेम ही है, यहाँ पे भी सेम है, ये दोनों तो कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब उसके बाद में देखते हैं हम ट्रायंगल। अब ट्रायंगल जो है, ये वाला जो ट्रायंगल है ये ऊपर चला जाएगा, शेप भी चेंज हो जाएगी, ऊपर चला गया, शेप चेंज हो गई, शेप चेंज होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो ट्रायंगल है ये नीचे आ जाएगा, बट शेप भी चेंज होगी, यहाँ पे शेप चेंज नहीं हो रही, यहाँ पे शेप चेंज हो रही है। ओके, क्लियर, कोई डाउट? नेक्स्ट देखो। अब बेटा देखो एक चीज और बताती हूँ आपको, कई बार एग्जाम के अंदर ना कंफ्यूज करने के लिए क्या आ जाता है, कंफ्यूज करने के लिए आ जाता है कि आपको जो मिरर है, यहाँ पे देखो डायरेक्शन पढ़ो पहले, क्या कह रहा है, ऑब्जर्व द फिगर एंड फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द सेम फ्रॉम द अल्टरनेटिव गिवन, इमेजिन एम एन इज ए मिरर। अब देखो, अब हम जब बोलते हैं तो उस टाइम पे बोलने में क्या आ रहा है, मिरर इमेज में लेफ्ट राइट चला जाएगा, यही बोल रहे हैं हम बार बार, ठीक है। अगर वाटर इमेज है तो टॉप डाउन में हो जाएगा फर्क, टॉप डाउन में चला जाएगा, डाउन टॉप में चला जाएगा ना, इतनी सी हम बात कर रहे हैं, अपर पोर्शन डाउनवर्ड चला जाएगा, डाउनवर्ड पोर्शन अपरवर्ड चला जाएगा। बट कई बार क्या होता है कि हमें इमेज देख के आंसर करना है, जो उसने वर्ड यूज किया है इस पे कंफ्यूज नहीं होना। जब भी आपके पास में मिरर बेटा ऐसे लग रहा हो, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट, कि हमारे पास में लेफ्ट और राइट, लेफ्ट राइट के अंदर क्या होगा, रिवर्स हो जाएगा, लेफ्ट राइट में, राइट लेफ्ट के अंदर, ठीक है। बट अगर मिरर मेरे पास में इस तरह से गिवन है, दैट मीन्स व्हाट, कि एक तरह से वाटर इमेज होगी, है वाटर इमेज की तरह काम करेगा, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, अप डाउन, डाउन अप, ठीक है, मीन्स लेफ्ट राइट, राइट लेफ्ट नहीं होगा। देन तो अब देखो इसके अंदर क्या आ जाएगा फिर, अब अगर हम इसमें देखें तो यहां पे देखिए ये इमेज गिवन है आपके पास, और मिरर कहां पे है, यहां पे मिरर गिवन है, दैट मीन्स व्हाट, कि फाइनली हमें वाटर इमेज चेक करनी है, वाटर इमेज चेक करनी, इस तरह से कंफ्यूजन के लिए इस तरह का आ सकता है, तो आपको पता होना चाहिए। तो यहां पे देखिए क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ क्या आंसर बनेगा। हाँ जी, देखिए ये पी नीचे आ जाएगा और डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगी, जे, अब यहाँ पे देखो ये नीचे था ना, ये ऊपर चला गया, ए यहाँ पे आ गया, तो बेटा ए ही आएगा आंसर, चेक करो सभी, क्लियर। तो आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ओके। नेक्स्ट देखिएगा, ये वाला तो हो गया हमारा, है ना, सो स्टूडेंट्स इट वाज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक मिरर इमेज और वाटर इमेज सभी को अच्छे से क्लियर हो गया, फिर भी अगर कोई डाउट आता है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हो। अभी आपके पास एग्जाम में टाइम कम है, बट सी सेट को लाइटली नहीं लेना है, कोशिश करो कि प्रॉपरली उसके लिए आप प्रिपेयर कर लो, बिकॉज सिर्फ सी सेट की वजह से काफी स्टूडेंट का एक साल बर्बाद हो जाता है। तो सी सेट पे बेटा सभी ने फोकस करना है, मॉड्यूल वाइज प्रिपेयर करना, मॉड्यूल वाइज प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है। अगर आप लोगों को कंप्लीट के अंदर से पर्टिकुलर टॉपिक अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग चेक करना है, प्रीवियस के अकॉर्डिंग चेक करके सिंगल सिंगल टॉपिक को प्रिपेयर करना है, फुल सब्सक्रिप्शन विल बी द बेस्ट फॉर 1 मंथ, ओके। और भी अगर कोई भी गाइडेंस चाहिए, इन दैट केस आपके पास में जब फुल कोर्स है तो वहां पे आपको नंबर गिवन है व्हाट्सएप का, आप वहां से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, तो वहां से आपको प्रॉपर मेंटर की गाइडेंस मिल जाएगी। डन, सो क्लास इज ओवर, थैंक यू सो मच।